प्रयागराज जिसको कुंभ नगरी भी कहते हैं, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ मेले के बारे में, जो कि 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति के समय लगता है, और यहाँ मतलब हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि आप यात्रा कैसे प्लान करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये यात्रा का शुरुआत करने के लिए आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, जो कि आप ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से या अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। तो ये जो ट्रेन पीछे खड़ी हुई है दोस्तों, इसी से मुझे बैठना है और जो है प्रयागराज जाना है। ऑलमोस्ट जो है करीब करीब 4 से 5 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं लखनऊ से यात्रा शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस मुश्किल से 4 से 5 घंटे या बहुत ज़्यादा 6 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों मतलब चलिए इस ट्रेन में मैं बैठता हूँ। ये है मेरी सीट, या कहाँ गई, ये है, मैं एंट्री कर गया हूँ। कुछ लोग सीट अपनी ढूंढ रहे हैं और मैं बैठ गया सीट पर। दोस्तों अब जो मैं सीट पर बैठ गया हूँ और मैं 6 बजे बैठा हूँ, करीब करीब 11 बजे तक मैं जो है प्रयागराज में उतर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, अगर जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा करना थोड़ा कम्फर्टेबल लगता है और थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कई स्टेशन के जो नाम होंगे वो प्रयागराज के आसपास ही होंगे। जैसे आप प्रयागराज जंक्शन हो गया, और दूसरा हो गया प्रयागराज संगम हो गया, और एक प्रयागराज रामबाड़ है। तो आप जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ की भी ट्रेन का टिकट आपको मिले, तो आप कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों रेलवे स्टेशन से जो है प्रयाग नगर की दूरी, यानी संगम जहाँ पर मेला लगता है वहाँ से दूरी ऑलमोस्ट सेम है, कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, फिलहाल 12-15 किलोमीटर से दूरी अधिक नहीं है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी मैं अपडेट करना भूल गया, मैं एक्चुअली प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतर कर वहीं पास में ही रूम लेके स्टे कर गया था रात भर। रूम जो है आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप लेट नाइट ज़्यादा उतरते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे रूम वूम लेने में रेट वेट का थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब थोड़े बहुत पैसे वो लोग बढ़ा देते हैं। तो फिर फिलहाल आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो है होटल आपको 1000 रुपीज़ से लेकर मतलब आराम से अच्छे खासे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं वो आपको अपडेट बुक करना भूल गया, और वहाँ से मैंने जो है अभी कुछ देर थोड़ी दूर पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको अपडेट कर दूँ, उसके बाद यहाँ से टैक्सी वगैरह कर लूँ। दोस्तों वहाँ से अगर आप प्रयागराज स्टेशन से या प्रयागराज संगम वाले स्टेशन से जो है जो मेले तक के जो ऑटो आते हैं बहुत ज़्यादा 50 रुपये लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कहीं से 30, कहीं से 50, कहीं से 40। अगर आपको ज़्यादा पैसे बताएं तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लीजिए। और यहाँ पर जो है अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, और मतलब तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दूर पैदल टहलते हुए आपसे बातें करते हुए मतलब आगे। तो दोस्तों इस जगह को संगम नगरी और कुंभ नगरी के साथ साथ अगर आप ये स्टूडेंट नगरी भी बोलेंगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, और जैसे यूपी में एक हिसाब से ये देखा जाए तो हब बन जाता है स्टूडेंट का, मतलब IAS PCS SSC की मतलब कोचिंग के लिए इलाहाबाद जो है एक हिसाब से हब है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जैसे रास्ते में देखेंगे, जैसे मैं इतनी सुबह आया हूँ तो यहाँ पर चाय की दुकानें या फिर ब्रेकफास्ट के लिए जो भी हैं ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खुल जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि जो है मैं यहाँ से अब ऑटो करता हूँ, यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं ई रिक्शा करके जो मेला है वहाँ के और नज़दीक पहुँचता हूँ, क्योंकि पूरे मेले में तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे पहले ही उतार देंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर मेला लगता है। तो अब मैं जो है ई रिक्शा करता हूँ और ई रिक्शा से जो है मैं मेले परिसर तक पहुँचता हूँ। तो दोस्तों रास्ते में एक मंदिर है जो कि अमूमन यहाँ पर दिख जाएंगे, जय बजरंगबली। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है वो मैं मेले परिसर के मतलब काफ़ी पहुँच गया हूँ,
ठीक है, तो इसके आगे आप रिक्शा या फिर जो भी, मतलब आपकी कोई भी पर्सनल गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। बस जो एम्बुलेंस और जो भी यहाँ पर ड्यूटी में कर्मचारी या प्रशासनिक गाड़ियाँ ही अंदर जा सकती हैं। उनके लिए तो मतलब हर जगह अलाउड रहता है, उनका क्या ही कहना। कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, तो वो तो भैया जाएंगे ही जाएंगे, वो सब आम लोगों के लिए जो है बंद हो जाता है। तो अब मैं पैदल चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप मतलब मेले में पहुँच जाएंगे, अभी मैं मेले परिसर में ही हूँ, कोहरे के कारण आसपास उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप मेले में पहुँच जाएंगे तो मतलब सबसे पहले जो आपको दिखेगा, तो सबसे पहले जो है हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, जिसको बड़े हनुमान जी कहते हैं। यहाँ पर जो है हनुमान जी वो लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। ये दोनों मतलब मेन गेट पर, मेन रोड पर यही एंट्रेंस आपको मिलेगा सबसे पहले। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़। अब मैं मेले परिसर के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ। तो मतलब यहाँ पर मतलब मेला जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर लगा हुआ है, और जितने बड़े स्तर पर लगा हुआ है उतनी ही ज़्यादा भीड़ है। लेकिन व्यवस्था मतलब इतनी टाइट है या इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसमें मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं भीड़ में आ गया और मतलब बहुत धक्का मुक्की हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोहे की चादरें बिछाई गई हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर नमी रहती है, तो जिससे कीचड़ उचड़ ना हो, तो आपको चलने उलने में कोई दिक्कत ना हो। अब भीड़ यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर मेला लगता है और इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ लगता है कि आप कभी भी आएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि किसी चीज़ में लाइन लगाना हो। मतलब नहाने के लिए आपको लाइन लगाना पड़े, या फिर कहीं जैसे चल रहे हैं उसके लिए लाइन लगाना पड़े, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था मतलब शुरुआत से ही की जाती है, और आप मतलब भीड़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी हम लोग नदी के तट पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर सभी नावें एक लाइन से खड़ी हुई हैं। कोहरे के कारण जो है ये नावें भी चल नहीं रही है। यहाँ पर पुलिस ने रोक लगाया हुआ है, जैसे ही कोहरा छटेगा ये नाव स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जो है अब बोट चलाने के लिए मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है मंजूरी अब मिल गई है। अब देखिए सभी बोटें जो हैं यहाँ पर मतलब चलेंगी। अब मैं बता दूँ, जैसे देखिए आप जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ लोग किनारे तट पर ही नहा लेते हैं, और कुछ लोग बोट में पहुँच कर, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर नहा लेते हैं। तो अब इतनी दूर आए हैं, मेला घूमने आए हैं, तो भाई नाव पर ही चलेंगे नहाने के लिए, ठीक है। तो मैं बैठ गया हूँ नाव पर, और देखिए सभी नावें एकदम से खुलना शुरू हो गई, और भीड़ उड़ बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सैकड़ों की संख्या में नाव लगी रहती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे नाव की तरफ, और जहाँ पर मतलब संगम होगा गंगा जी यमुना जी का, वहाँ पर ये ले जाएंगे, और वहीं पर मतलब सुविधाएँ रहेंगी। तो ये मतलब ले जाने से पहले लाइफ जैकेट वगैरह जो है पहना देते हैं, और जो है पूरे मतलब मेले में जो है या फिर जो संगम में है, और जल पुलिस जो है पेट्रोलिंग लगातार किया करती है। जैसे कोई कैजुअल्टी हो जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए नावों में, जैसे कोई डूबने की आशंका हो, तो जल पुलिस वहाँ पर मुस्तैद रहती है। तो मतलब इतने बड़े स्तर पर जो है मतलब मेला लगा है, तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं और सुविधा के भी पूरे इंतजाम हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नाव पर, और नाव से चलते हैं जहाँ गंगा यमुना जी का संगम है, वहाँ पर चल के स्नान करते हैं। Thank you.
तो दोस्तों हम लोगों ने अब स्नान कर लिया है संगम में, अब वापस जा रहे हैं नाव से, क्योंकि नाव वाले भी बहुत देर से रुके हुए थे, वापस हमको वहीं पर उतार देंगे और वहां से बस रेलवे स्टेशन जाना है। तो दोस्तों नहाने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन पानी बहुत ठंड था, लेकिन एक दो डुबकी लगाई तो उसके बाद ठंड जो है मतलब महसूस नहीं हुई, बस एक ही दो डुबकी भर का था ठंड, उसके बाद जो है ठंड चली गई। लेकिन तो दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है, जो कि मकर संक्रांति के समय लगता है, और प्रत्येक छः सालों में अर्धकुंभ लगता है, और 12 साल में जो कुंभ मेला लगता है, जो कि 2025 में आपका लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है घूमने में, तो इसलिए आप लोग भी घूमिए, और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे, और इसी बहाने आप अपनी धर्म, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ गंगे।